ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है। जीवन धारा कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। हालेलुया जमघट होएगा, वहां हालेलुया
बच्चों, आप सबों को आशा आंटी का प्यार भरा नमस्कार। एक शाम मेरी माता जी कुछ लिखना चाहती थी, इसलिए वे उस कागज की खोज करने लगी जिसे उन्होंने एक लिफाफे में कहीं रख दिया था। उसी लिफाफे में कुछ जरूरी कागजात भी थे। उसने अलमारी छान मारी, परंतु वह लिफाफा नहीं, कहीं भी नजर नहीं आया। वह बहुत व्याकुल और परेशान उठी। क्या वे जरूरी कागजात कहीं खो तो नहीं गए? उन्होंने सारा घर ढूंढ डाला। वे बड़ी परेशान थी कि आखिर वे कागज कहाँ गायब हो गए। बहुत माथा पच्ची करने पर उन्हें याद आया कि 4 दिन पहले उन्होंने वे जरूरी कागजात शहर के नगर निगम अध्यक्ष के पास उनकी सलाह मशवरे के लिए ले गए थे, पर उसके बाद कहाँ रख दिए या छोड़ दिए उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि माताजी को अपनी सावधानी पर जरा भी संदेह नहीं था। शहर के मेयर महोदय माताजी के घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। माताजी ने अपने 2 बच्चों, जिनकी उम्र 11 और 8 साल की थी, सारी परेशानी को बताया कि वे कागजात कहीं गुम हो गए हैं। तीनों अपने घुटने टेक कर ईश्वर से इस समस्या के बारे में प्रार्थना करने लगे। बड़ी सुबह माताजी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उन जरूरी कागजात को कहाँ रख दिया है, परंतु तुझे मालूम है कि वे कहाँ हैं। हे ईश्वर, आप जानते हैं कि यदि वे जरूरी कागजात नहीं मिले तो हम अदालत में अपने सबूत को कुछ भी पेश नहीं कर सकते हैं, और हमें कोई भी आशा नहीं है कि हमारी वह जमीन जिसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती हत्या लिया है हमें मिल सके। हे परम शक्तिमान परमेश्वर, मेरी सहायता कर, मुझे राह दिखा। जब माता जी इस प्रकार प्रार्थना कर रही थी कि उसका छोटा पुत्र जो लगभग 4 वर्ष का था बड़े जोर से रो पड़ा, जैसे उसे बड़ा दर्द हो रहा हो। माता ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके गाल बुरी तरह से सूजे हुए हैं। उसने रोना बंद कर दिया और माताजी फिर अपनी प्रार्थना में लग गईं। उन्होंने तय किया कि वे उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगी। वह डॉक्टर मेयर के शहर में रहता था। बाद में उन्होंने सोचा कि वे उस प्रांत की राजधानी भी जाएंगी और उन कागजात की प्रतिलिपियां भी वहां से ले आएंगी जो गुम हो गए हैं। जब माताजी ने उस बालक को दांतों के डॉक्टर के पास चलने को कहा, वह एकदम तैयार हो गया, जबकि इसके पहले वह हमेशा आनाकानी किया करता था। यह देखकर माताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तुरंत तैयार होकर शहर की ओर चल दिए। जैसे ही माताजी डॉक्टर के दवाखाने में दाखिल हुई, उन्होंने माताजी से प्रश्न किया, माताजी, क्या आपने अपने कुछ जरूरी कागजात कहीं खोए हैं? माताजी ने बड़े दुख से कहा, हाँ। वे इतनी दुखी थीं कि वे समझ ही नहीं पाई कि डॉक्टर साहब को इन कागजात के बारे में आखिर पता कैसे चला। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा सा लिफाफा अपनी अलमारी से निकाला और माताजी की ओर बढ़ा दिया। माताजी देखते ही उस लिफाफे को पहचान गई। तुरंत लिफाफा खोला और उसमें सभी जरूरी कागजात सुरक्षित थे। माता अपने जज्बात नहीं रोक पाई। उनकी आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू निकल पड़े। वह डॉक्टर से पूछ बैठी, आपको ये कागज वाला लिफाफा कहाँ मिला? उन्होंने कहा, किसी आदमी ने उन्हें यह लिफाफा दिया था, परंतु उसे यह कहाँ मिला डॉक्टर को भी पता नहीं था। माताजी ने कहा, आओ बेटा, डॉक्टर साहब को तुम्हारे दांत की जांच करने दो। परंतु वह छोटा बालक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसके गालों की सूजन बिल्कुल गायब हो गई थी। माता और बालक दोनों ही बिना इलाज घर वापस लौट आए। यदि माताजी सीधी राजधानी चली जाती तो अवश्य निराश मन से लौट आती, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि राजधानी के मुख्यालय में उन कागजातों की एक भी कॉपी मौजूद नहीं थी। निसंदेह ईश्वर को मालूम था, इसलिए बड़े अजीबोगरीब तरीके से उसने उस लिफाफे को उस दवाखाने में पहुंचा दिया। इस घटना से यह विश्वास करना ही पड़ता है कि ईश्वर अपने विश्वासियों की आवश्यकता को बेहतर जानता है, उनकी सहायता करता है और प्रार्थना का उत्तर भी देता है। बच्चों,
अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर कुछ इसी प्रकार से दिया हो और आप इसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो, तो हमें विस्तार पूर्वक लिखें। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो, तो हमें इस पते पर लिखें। वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। पवित्रता की भावना लेकर करूं तुझको प्रणाम, तेरे नाम की बड़ाई मैं करूं, मन में लूं तेरा नाम। पवित्रता की भावना ले तेरा मैं कैसे उतारूं, ये समझ में न आता। दान दिया तूने अपने जीवन का, धन्य है मेरे दाता। कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं, समझ में न आता। यीशु 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 है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु ऊंचा। यीशु है तेरा नाम,
यीशु तेरा नाम, यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। प्रिय रेडियो मित्रों, हम मसीह विश्वास में जीते हैं और विश्वास में मरते हैं, इस सृष्टि का एक नियम जिसे हम पूरा करते हैं। इस संसार में हम एक यात्री के रूप में होते हैं और प्रभु की आज्ञा पालन ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज्ञा पालन तीन स्तर होते हैं। हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं क्योंकि हमें करना ही है। ये डर का स्तर है, परंतु दास वाला डर नहीं जो उसे अपने स्वामी के लिए डर वश करना पड़ता है। परमेश्वर का डर पवित्र व भला है। जैसे हम पृथ्वी पर अपने पिता का डर मानते हैं, तो क्या हमें अपने स्वर्ग पिता का आदर नहीं करना चाहिए? यदि हम इच्छा पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो वह हमें छोड़ देगा। इस कारण प्रभु से डरते हैं। तो भय पर अपरिचित आज्ञाकारिता प्रेम नहीं है। भय के कारण आज्ञाकारिता अच्छा उद्देश्य नहीं है। मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा। इससे स्पष्ट है कि प्रभु यीशु से हमारा कितना गहरा संबंध है। डर हमारे वास्तविक आनंद को हमसे छीन लेता है, जो आनंद वास्तव में प्रभु हमें देना चाहता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके करीब जाना चाहते हैं। परंतु डर हमारे और प्रभु के बीच में एक दीवार का काम करता है, ना कि सेतु का। आज्ञाकारिता का दूसरा स्तर है स्वार्थ। हम इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है, इससे हमें कुछ प्राप्त होता है। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि बच्चों में उनसे कुछ पाने की आशा रहती है। ये भी स्वार्थ है। बहुत से मसीही इसी सौदाबाजी के आधार पर जीवित है। उनकी आज्ञाकारिता उसी से नापी जाती है कि ईश्वर उन्हें क्या देता है। यदि वे कुछ न पाए तो वे चाहते हैं कि वे ईश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें आग की भट्टी से भी बचाने की क्षमता रखता है। आज्ञाकारिता के पीछे हमारा प्रथम उद्देश्य प्रेम का होना चाहिए। आज्ञाकारिता में प्रेम हमारा मुख्य उद्देश्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रेम ईश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित कराता है। इसका कोई अर्थ नहीं कि प्रभु हमें क्या देता है कि क्या नहीं देता। शैतान चाहता था कि अय्यूब ईश्वर की शरण छोड़ दे और अपने मुंह से ईश्वर के प्रति साप दे, क्योंकि अय्यूब पूर्ण रूप से बराबरी के कगार पर पहुंच गया था। फिर भी अय्यूब ने कहा कि ईश्वर उसे मार भी डाले, फिर भी उसकी आशा ईश्वर में बनी रहेगी। देखिए प्रभु के प्रति कितना गहरा प्यार अय्यूब का था, क्योंकि सौदेबाजी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वो आज के अधिकांश मसीही लोगों की तरह नहीं था। वो अनिवार्य सत है, जहां प्रेम होता है वहां सौदेबाजी नहीं होती है। प्रेम बलिदान को नहीं गिनता है।
हमारे प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण देकर प्रेम बलिदान का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे बड़े प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम आज्ञाकारिता का सबसे उत्तम देश है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। वह हमें आदेश देता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम पहले किया। हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रेम में कोई डर नहीं होता, परंतु प्रेम हमारे डर को हमसे दूर कर देता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जिसके पास मेरी आज्ञा है, वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। प्रेम नियम का परिपूर्ण है। यदि दो व्यक्तियों में आपस में प्रेम है, तो उनके बीच को नियम संबंध बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार पति पत्नी आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं। माता पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्योंकि वे बच्चों से प्रेम करते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम हृदय से आज्ञाकारी बने रहे। इसराइल को ईश्वर ने क्यों चुना? उसने जो मेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के लिए मिस्र से इसलिए निकाल लाया। ईश्वर का इस जाति से जाति के प्रति सदा के लिए एक उद्देश्य रहा है, और इन्हीं को ईश्वर ने नियम व्यवस्था रीतियां दी। इसराइल की ईमान का इकरार क्या है? हे इसराइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या इसराइल और देश से अच्छा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अपने शपथ निभाने के कारण हमारे पूर्वजों से शपथ खाई, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा को पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देश के लोगों में से तुमको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा निज धन ठहरे। वो तुझसे प्रेम रखता है। ईश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम ईश्वर का भय माने, उससे प्रेम रखें, उसके बताए मार्ग पर चले, अपने प्रभु की तन मन से सेवा करे। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। जो कुछ उसने तुझे सौंपा है, उसका अर्थात उसकी विधियों नियमों आज्ञाओं का नित पालन करना। परंतु ये काफी नहीं है। इसराइल ने खतना कराया, क्योंकि प्रभु तुम्हारे हृदयों का खतना करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। मूसा ने स्पष्ट किया, आज्ञाकारी होना ही ईश्वर से प्रेम करना है। व्यवस्था विवरण हमारे परमेश्वर की प्रिय पुस्तक रही है। जब प्रभु इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में थे, नए नियम में इस पुस्तक की 80 बार से अधिक इस्तेमाल किया गया है। इस पुस्तक प्रेम वो आज्ञाकारिता की पुस्तकें हैं। हम किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, परंतु ईश्वर तो हमें आदेश दे ही सकता है कि हम उससे प्रेम करें। ईश्वर आदेश देने का अधिकारी है। मित्रों, उसके आदेश हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम
उसकी आज्ञाओं को माने, उससे प्रेम करें, उसकी सहभागिता में रहें, अधिक फल उत्पन्न करें, यही प्रेम का रहस्य है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि तू चाहता है कि हम तेरे आज्ञाओं पर चलें, क्योंकि तेरे आज्ञाओं में प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि तू चाहता है कि हम बचाए जाएं और तेरी उस आवाज को सुने। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9689231702, 9689231702। हमारा ईमेल एड्रेस है morris@gmail.com, morris@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जीवन के दाता प्रभु यीशु, तू ही है विश्व विधाता, मेरे राजा मन में आ जा, महिमा तू हमको अपने दिखा। हे जीवन के दाता प्रभु यीशु। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।